हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं सुष्मिता, आपकी एडुकेटर। मेरा एक्सपीरियंस है नीट यूजी के प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है? और लास्ट 5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हूं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो यहाँ पे मैं नीट 2023 के पहले ये दो महीने तो है नहीं, 40 से 45 दिन है, ठीक है? तो इन्हीं में हम लोग क्या कोशिश करेंगे ताकि एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज़ किया जाए। अच्छे से रिवाइज़ किया जाए इन द सेंस कि अगर आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ना है तो आप इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ अलग कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि बस एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से रट्टा मारनी है। तो यहाँ पे रट्टा मारने से भी ज़्यादा हम लोग रट्टा मारने में फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे समझने में फोकस कर रहे हैं, ताकि वो अगर आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए तो उसके लिए और कोई रट्टा मारना या तो फिर बहुत ज़्यादा उसके मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ ना कुछ तो मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से वो याद हो जाए। नाउ यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ, बेसिकली एनसीईआरटी को ही फोकस में रखा जा रहा है। और आफ्टर दिस वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस, ठीक है? कि मतलब ये कुछ चैप्टर्स हम लोग का ख़त्म हो जाए, जैसे कि जैसे 11th का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग 11th के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और उसके साथ 12th का भी कोर्स चलता रहेगा, ठीक है? तो हर दिन सुबह 10 बजे मेरा वीडियो आता है इस चैनल में। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस सीरीज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू एवरीथिंग बायो और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है? तो हालांकि 10 बजे तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब मैंने तो टाइम बता दिया कि एवरी डे 10 बजे वो होगा, मतलब अनटिल एंड अनलेस आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी इमरजेंसीज और समथिंग एल्स, कि बहुत ज़्यादा काम है तो फिर शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आई विल बी ट्राइंग वेरी हार्ड कि हाँ 10 बजे रोज़ एक वीडियो तो आपको मिल जाए, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी ख़त्म करनी है, राइट, एग्ज़ाम के पहले। सो नाउ लास्ट वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। सो पार्ट वन जो है, जहाँ पे हम लोग ये जो मोनेरा के बारे में पूरे डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्या क्या क्लासिफिकेशन था शुरुआत में, इसके बारे में पूरा डिस्कस हुआ था, ठीक है? तो ये इसका लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। इसमें मैं फंजाई को भी इंक्लूड करना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए हम लोग अभी प्रोटिस्टा को इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंजाई और हो सके तो वायरस को भी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर वायरस अलग से आएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में हम लोग क्या पढ़े थे कि मोनेरा इज़ बेसिकली प्रोकैरियोटिक होता है ना? इट वाज बेसिकली प्रोकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ठीक है? दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और अगर यूकैरियोट है तो यूकैरियोट्स में क्या क्या, मतलब एकदम नॉर्मल होती है कि क्या रहना चाहिए, न्यूक्लियस है ना, उसके साथ साथ क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और उसके साथ और क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, उसके साथ राइबोसोम जो होंगे वो ATS टाइप के होंगे, और भी बहुत कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो मेन डिफरेंस है वही हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स। नाउ बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा फॉर वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनादर, ठीक है? तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में, क्योंकि कभी कभी कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए वो अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, तो कोई बायोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि वो प्लांट है, ठीक है? नाउ इस बुक में, मतलब एनसीईआरटी में, हम लोग प्रोटिस्टा के कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रिजोफाइट्स,
डिनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा. नाउ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सम अदर फ्लैजेला और सीलिया. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूशन, जाइगोट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन भी हो रही है और इसके साथ साथ सेल्फ फ्यूजन भी हम लोग देख रहे हैं. तो एसेक्सुअल भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है. नॉट ओनली दैट, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि हम लोग इसके पहले यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट. इसके बाद प्रोटिस्टा में हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनल्स एनसीईआरटी में मेंशन है. तो क्रिजोफाइट्स, क्रिजोफाइट्स क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी. इसके और एक नाम है क्या? डेसमीड्स. हर वो नाम याद रखना, हर वो वर्ड्स याद रखना, क्योंकि कभी कभी अगर डेसमीड के बारे में पूछ लिया तो तुम सोचो कि गोल्डन एल्गी क्या है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. गोल्डन एल्गी या फिर डेसमीड्स. नाउ दे आर बाउंड इन फ्रेश फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरमेंट. तो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मेरीन में भी मिलते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर हैं तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे. फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, दैट इज प्लैंकटन. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. इन डायएटम्स द सेल वॉज फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. तो silica क्या करता है? एक rough face का, मतलब rough बना देता है, ठीक है? उस जगह को एक rough बना देता है. तो इसके उसके जो cell wall है वो पूरे silica से embedded होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही वो डेथ हो जाती है तो ये सिलिका क्या होता है, ये सेल वॉल बेसिकली इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होता है. और इसीलिए दस डायएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. क्योंकि वो अगर मतलब डेथ हो रही है उनकी या तो फिर वो चले जा रहे हैं, फिर भी वो सेल वॉल के डिपोजिशन रह जाती हैं. एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायएटोमेशियस अर्थ. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil, syrups, etc. तो ये gritty होने के कारण जो भी polishing होती है या तो फिर filtration होती है, ठीक है, इस काम में इसको use किया जाता है. Diatoms are the chief producers in the oceans. तो कौन है chief producers of the oceans? That is diatoms. Diatoms are the chief producers in the oceans. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ लिया हम लोग क्रिजोफाइट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में. तो यहाँ पे डिनोफ्लैजिलेट का एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है? ये दिस इज द डिनोफ्लैजिलेट का पिक्चर है ये. नाउ दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स में आ जा रहा है, ठीक है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है, ठीक है? कोई भी किसी और के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. एंड दे अपीयर, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट से एनर्जी मिल रही है उनको. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला. One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear as red tides. तो goniolax क्या होता है? Red dinoflagellates. और यही goniolax is responsible for red tides. ये रेड टाइड्स और रेड सी अलग होते हैं, है ना? और यहाँ पे देखो, दिस इज द गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम के एक पिक्चर है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली कैसे दोनों अलग अलग ये रखे हैं, ठीक है? एंड दिस इज बेसिकली
सो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट कि टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज मेंबर्स नंबर्स में इवन किल अदर मेरिन एनिमल्स सच एज फिशेस. ओके नाउ यूक्लिनॉइड्स, यूक्लिनॉइड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो पेलिकल कौन सा है, ये वाला, ये जो बाहर की जो लेयर है, दिस इज द पेलिकल, ठीक है. और यहाँ पे ये लोग फूड रिजर्व करते हैं, तो ये रिजर्वर है. और यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा एंड दिस इज द न्यूक्लियस, राइट. तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दे हैव टू फ्लैजिला विच वी कैन सी, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन. एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है. एंड दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे डिप्राइव ऑफ इन द डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स. मतलब जब तक सूरज है वो तब तक काम करेगा, खुद का खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा. जैसे ही सूरज गया, चंदा मामा आया, वो हेटरोट्रॉप्स बन जाता है. उसको और काम करने की कोई जरूरत, मतलब कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है. सो बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तो ये प्रिडेशन में निकल जाता है. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूक्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. एग्जाम्पल क्या है, यूक्लिना. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ यूक्लिना, ठीक है, ये बी वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस द पिक्चर ऑफ यूक्लिना. इसके बाद हम लोग आते हैं स्लाइम मोल्ड्स को लेके. स्लाइम मोल्ड्स, दिस इज द स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट इन सी. स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सैप्रोफाइटिक का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले ही मैंने बताया कि ये डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेता है. नाउ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुइटेबल कंडीशंस. दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. द स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस. द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करेंट्स. ओके तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं. और ये स्पोर फॉर्म करने के बाद बेसिकली स्पोर क्या क्या रहता है, इसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होता है एंड दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट, क्योंकि वो सर्वाइवल, एक मतलब सर्वाइवल के लिए उसको यूज़ किया जाता है, राइट. कि जब भी हार्श कोई एनवायरनमेंट आ रहा है, तो हार्श कोई एनवायरनमेंट फेस करने के टाइम में तब वो खुद को प्लाज्मोडियम बनाता है. तो ये स्पोर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्म फूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ये जो फॉर्मेशन हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है. तो सर्वाइवल कंडीशन में अगर जाना है तो उसको वैसे ही रेजिस्टेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंट नहीं होगा तो वो खुद के जो लाइफ फॉर्म है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी जो एनवायरनमेंट है, जो हार्श एनवायरनमेंट है, उससे खुद को रक्षा नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करेंट्स. प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रिडेटर्स और पैरासाइट्स. दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. एमीबॉयड प्रोटोजोआ, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट ऑयल. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया. सीडोपोडिया किस में यूज हो रहा है, बेसिकली लोकोमोशन में यूज हो रही है. लोकोमोशन में सीडोपोडिया यूज हो रही है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉज फीट. एज इन एमीबा, मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सर्फेस. सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स. तो एमीबा एंड एंटामीबा, एंटामीबा बेसिकली क्या क्या कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है.
एंडेमिक वाला डिसेंट्री कॉज करता है, सो दे आर पैरासाइट एंड दे कॉज डिजीजेस. नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. तो फ्री लिविंग होती है या तो फिर पैरासाइटिक होती है. दे हैव फ्लैजिला. द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा. तो ट्राइपैनोसोमा ही स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है. स्लीपिंग सिकनेस ये ट्राइपैनोसोमा ही कॉज कर रहा है. और नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में हम लोग क्या देखते हैं, तो देखो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोशन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, फ्लैजेला, है ना. एमीबॉयड प्रोटोजोआ में लोकोमोशन के लिए यूज़ किया गया है स्यूडोपोडिया, और यहाँ पे फ्लैजेला को यूज़ कर रहे हैं फॉर द लोकोमोशन. सीलिएटेड प्रोटोजोआ में किस चीज़ को यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली सीलिया को यूज़ करेंगे फॉर द लोकोमोशन, है ना. थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट एंड दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया एंड दे हैव अ कैविटी दैट इज गलेट दैट ओपन्स ऑन द टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इन टू द गलेट. तो इनके पास काइंड ऑफ छोटा छोटा सा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फूड जा सकता है, ठीक है. तो वो एक कैविटी उन पर प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पैरामीसियम. स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ के लिए हम लोग देखते हैं कि स्पोरोजोआ इज इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. यहाँ पे लोकोमोशन नहीं होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एबसेंट है, बेसिकली यहाँ पे एबसेंट है. नाउ द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम दैट इज मैलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मैलेरिया अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. तो हम लोग ऑलरेडी ये चार पढ़े हैं. नाउ यहाँ पे एक एक छोटा सा चार्ट की जैसे बनाया गया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और जो स्पोरोजोआ है उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. हैबिटेट में क्या है, हैबिटेट में है कि फ्रेश वाटर होगा, मेरीन मॉइस्ट सॉइल, मोस्टली फ्री एंड पैरासाइटिक. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में क्या देखते हैं हम लोग, फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, पैरासाइटिक भी हो सकती है. सीलिएटेड प्रोटोजोआ में देखते हैं कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, मेरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है और कुछ कुछ पैरासाइट होता है, हालांकि बाकी सब फ्री लिविंग होती है. स्पोरोजोआ में हम लोग क्या देखते हैं, ऑल आर एंडोपैरासाइट्स. नाउ लोकोमोशन में यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, लोकोमोशन में कि दिस हैव स्यूडोपोडिया, राइट, या तो फिर फॉल्स फीट भी बोलते हैं इसको. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फीट. इसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में हम लोग क्या देखते हैं, फ्लैजेला. और सीलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या हेल्प करता है फॉर द लोकोमोशन पर्पज, सीलिया. और फिर यहाँ पे स्पोरोजोआ में इट्स बेसिकली एब्सेंट, ठीक है. स्पेशल फीचर क्या है, सिलिका शेल्स प्रेजेंट है. फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, डाइवर्स एसोसिएशन प्रेजेंट है, जैसे कि कोई कोई सिम्बायोटिक हो सकती है, कोई कोई पैरासाइटिक हो सकती है. सीलिएटेड में क्या है, गलेट प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि फूड के साथ रिलेटेड होता है क्योंकि फूड को अच्छे से स्टीयर कर सकता है. ये गलेट एक कैविटी होती है, ठीक है, इस कैविटी में फूड को स्टीयर कर सकता है. नाउ स्पोरोजोआ या स्पोरोजोआस में क्या होती है, इन्फेक्शियस स्पोर प्रेजेंट होते हैं. और इनके अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें तो एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि डिजीजेस क्या है, एमीबा, एंटामीबा, दीज आर द एग्जांपल्स. और डिजीज है डिसेंट्री. ट्रिपैनोसोमा इज द एग्जांपल ऑफ दिस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्लीपिंग सिकनेस इज द डिजीज. पैरामीसियम इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ के लिए होता है ना. और स्पोरोजोआ फॉर द प्लाज्मोडियम. इफ़ यू कैन नॉट सी इट, जस्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है. तो ये हो गया लोकोमोशन, स्पेशल फीचर, एग्जांपल्स, डिजीजेस, इनके बारे में, ठीक है. तो प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंजाई के बारे में. पूरे फंजाई ख़त्म कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग द वायरस. तो वायरस एंड
वायरस एंड दिस फंजाई, ये दोनों ही एक वीडियो में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है या तो फिर कोई भी क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विथ मी, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल में ही रिप्लाई कर दूंगी। आप अगर क्वेश्चन, अगर कोई पिक्चर है, पिक्चर को भी अगर आप सेंड करना चाहें कि हाँ ठीक है ये पिक्चर है, तो आप ये सॉल्व कर दीजिए, या तो फिर कौन सी जगह समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो में वो समझाने की कोशिश करूँगी। वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझना है तो उसके भी आप टॉपिक्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझना है, क्योंकि मैं जब तक जाऊँगी उस चैप्टर तक, तब तक शायद आपका उतना ज़्यादा पेशेंस ना रहे, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को आपको समझना है, आई कैन मेक शॉर्ट वीडियोज ऑन दैट, ठीक है। सो शॉर्ट एंड डिटेल्स वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो ज़रूर एवरीथिंग बायो को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एवरी डे एट 10 AM आई अपलोड द वीडियो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल।